Hello guys, good evening and welcome back to testbook.com. Once again, my name is Ananya Singh and this is our mock test show. So, इसमें हम सॉल्व करेंगे एक मॉक टेस्ट जो कि होगा आपके SSC CGL, SSC CHSL और सारे SSC examinations के लिए बेहद इंपॉर्टेंट. तो जितने लोग यहाँ पर हैं, सबसे पहले मुझे बताइए कैसे हैं आप सब लोग. मेरी ऑडियो वीडियो एकदम सही है कि नहीं. जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए कैसे हैं आप सब लोग और ऑडियो वीडियो एकदम ठीक है ना. बढ़िया, हम भी काफी ठीक है, अब पहले से बेहतर है. गुड इवनिंग एवरीवन. जल्दी से जाइए, सेशन को शेयर करके आइए. इसी बात पे जितने भी लोग यहाँ पर हो, सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे भी जरा एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं भी जरा टेलीग्राम पे पोस्ट करके आती हूँ दैट द सेशन इज लाइव. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. जल्दी से जाइए, सेशन को शेयर करके आइए सारे फ्रेंड्स के साथ और सेशन को लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिए जल्दी से, फटाफट से. बिल्कुल, फिर हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा चैलेंजिंग सेशन है उसको. ठीक है, चलिए. ये डबल साउंड कैसे आ रहा है, क्या सबको डबल साउंड आ रहा है क्या? पहले बताइए साउंड सबको डबल आ रहा है कि बाकियों को साउंड ठीक आ रहा है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग हम देखें, वरना फिर हम आगे चलें. ठीक, सब ठीक, एकदम बढ़िया. चलिए बेहतरीन, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसी बात पे सेशन को. जब सबको एकदम परफेक्ट है तो किस बात की देरी है ना. तो शुरुआत कर लेते हैं. मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसको ज्वाइन करना है, आपको सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके एट अनन्या मैम अंडरस्कोर टेस्टबुक. इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी पीडीएफ्स मिलती है, सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं. मेरा कोई भी सेशन लाइव होता है उसका नोटिफिकेशन दे देती हूँ, है ना. सारे जितने अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, पीडीएफ्स हैं, सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेंगे. ठीक है ना, कोई डाउट सॉल्विंग वगैरह है, आपको मुझसे इंटरेक्ट करना है, सब चीजों के लिए एक ही सोल्यूशन है, अनन्या मैम अंडरस्कोर टेस्टबुक. ठीक, दूसरी चीज है गाइस, दिस इज योर सीजीएल फाउंडेशन बैच. अगर सीजीएल, क्योंकि भाई अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको तो पहली चीज पता ही नहीं है, तो उनके लिए अप्रैल में है आपका सीजीएल, है ना. अगर सो नहीं रहे हैं तो पता होगा कि सीजीएल अप्रैल में है और उसके बाद अगले ही महीने में है मई में सीएचएसएल. सीजीएल के फॉर्म आ चुके हैं, सीएचएसएल के आने वाले हैं, तो सीएचएसएल के फॉर्म जैसे ही आएंगे भर दीजिएगा, सीजीएल का फिल कर दीजिए. ठीक है ना, इसकी जो ये जो कोर्स है ना, सीजीएल की कंप्लीट तैयारी आपकी करवाएगा एक सही दिशा में. इसकी फीस है 3999, लेकिन ये जो AN20 कूपन कोड है मेरा, AN20 आपको देगा अप टू 37% तक का ऑफ. ठीक है ना, इस बैच के ऊपर, इस नहीं सारे बैचेस के ऊपर. आपको सिर्फ जाके एक मास्टर क्लास देखनी है और मास्टर क्लास देखने के बाद पेमेंट करना है, दैट इज इट. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस बैच का, या फिर आपको जो भी बैच लेना हो, जस्ट रिमेम्बर to use the code AN20 if you want some extra discounts as well. ठीक है ना, हमारे हीरोज हर दिन हम आपको दिखाते हैं और ऐसे ही दिखाते रहेंगे जब तक आप लोग इनको रिप्लेस ना कर दो, तब तक. ठीक, तो चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने आने वाला है. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस वन. देखते हैं कौन आंसर बताता है. बिल्कुल स्पीड पकड़ लीजिए, बिल्कुल जोर शोर से आंसर बताइए. लेट्स सी कौन इसका आंसर बताता है. पहला सवाल हमने दे दिया है, हम आंसर का वेट कर रहे हैं. जल्दी जल्दी से बता दीजिए सब लोग क्या होगा इसका सही जवाब. देखते हैं कौन आंसर देता है, लेट्स सी. शीनाए होना चाहिए. अच्छा, ओके, ऑल राइट. I and she had lunch together in their bedroom, letting the general catch up on his sleep. She and I, obviously, हमें क्या पता है pronoun का rule क्या कहता है. pronoun का rule बोलता है कि जो आपका 2-3-1 का basically होना चाहिए, है ना. 2-3-1 होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2-3-1 में 3 और 1 है हमारे पास, तो पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा,
तो पहले शी एंड आई, ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर। ठीक, सिंपल। अगला सवाल देखिए और हमें इसका आंसर बताइए। आंसर बताइए, ही रिफ्रेन डैश स्कोल्डिंग हिज चाइल्ड अंटिल द कंपनी लेफ्ट। क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग बताइए, ही रिफ्रेन डैश स्कोल्डिंग हिज चाइल्ड अंटिल द कंपनी लेफ्ट। हाँ जी गाइस, आपकी पीपीटी ब्लैक ही रहेगी, वो गलती से आज हो गई है वाइट, है ना, क्योंकि आपको पता है कि रात वाली पीपीटी हमेशा ब्लैक रहती है, गलती से ब्लैक वाइट रह गई है आज, कोई बात नहीं, कल से फिर से ब्लैक हो जाएगी, डोंट वरी। बताइए, रिफ्रेन, प्रेवेंट, ये सारे ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब होता है किसी को रोकना, इन सबके बाद कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? फ्रॉम लगता है। रिफ्रेन फ्रॉम स्कोल्डिंग, ऑप्शन नंबर वन, रिफ्रेन फ्रॉम स्कोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए फटाफट से हमको सब लोग, और कितने गलत हो रहे हैं नोट करते हुए चलो, ठीक है ना, जितने भी आपके गलत होते जा रहे हैं कहीं पर नोट करिए कि नंबर एटलीस्ट, कि आपको पता चले कि कितने आप कहां पर वीक हो, है ना। बताइए हमें इसका आंसर। आंसर पे फोकस करो भाई, एक चीज को बार बार कॉपी पेस्ट कमेंट में करने की जगह अपना आंसर देने पे फोकस करो, ज्यादा बेटर होगा। देखिए जरा कौन आंसर देता है। इसको कहते हैं भेड़चाल। अमन कुमार, योर आंसर इज राइट, वेरी गुड। एक आंसर मुझे सही दिखा, मिलिंद अबा का सही दिखा है। अब दो तीन आंसर मुझे सही दिखे। पहले सबने एक तरफ से भेड़चाल फॉलो करी है ना, एक तरफ से भेड़चाल फॉलो करी गई है कि मैम डे बाय डे, डे बाय डे। अरे भाई, डे आफ्टर डे का मतलब क्या होता है? दिन पर दिन, डे आफ्टर डे भी यूज होता है, बिल्कुल सही है, डे आफ्टर डे। Day after day passed without a news. News आपका uncountable noun है। Uncountable noun के साथ कभी भी article a use नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? A news की जगह सिर्फ news होगा। Option number two is the answer. ठीक है ना? Day after day passed without news and we began to lose hope. ठीक, option number three is the answer. Clear? चलिए अगला सवाल बताइए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, आंसर बताइए सब लोग। देखें जरा कौन आंसर देता है। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। ए प्यारी, बिल्कुल सही है, जहां पर बीज रखी जाती हैं वो एपियरी होता है। एक्वेरियम में एक्वेटिक एनिमल्स रखे जाते हैं या फिर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। आर्ना, जहां पर लड़ाई होती है, और आर्सेनल, जहां पर हथियार रखे जाते हैं, वो प्लेस आर्सेनल कहलाती है। तो आंसर क्या हो गया है? एपियरी हो गया है। सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक, चलिए। डिसइल्यूजन, डायरेक्शन खुद पढ़ना है, हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, सिर्फ हमको यहाँ पे आंसर चाहिए, क्योंकि ये सेशन आपका मॉक टेस्ट का है, तो इसमें हम कोई आपको एडवांस एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। बताइए क्या होगा इसमें सही जवाब सब लोग। देखते हैं कौन आंसर देता है, लेट्स सी। एंथुजियास्टिक, अच्छा डिसइल्यूजन का मतलब होता है गाइस, अगर कोई डिसअपॉइंटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो दैट पर्सन इज डिसइल्यूजन। डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन इज डिसइल्यूजन। एम्बिटर्ड का मतलब क्या होता है? एम्बिटर्ड, बताओगे जरा एम्बिटर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही गुस्सा, एंग्री, सिनोनिम हो गया। डिसअपॉइंटेड भी सिनोनिम हो गया। सैड का मतलब क्या होता है? बहुत ही अनप्लीजेंट या डिफिकल्ट चीज, सैड होती है, एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है। लेकिन जो एंथुजियास्टिक है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, और सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ड होने की जगह वजह से
वो इसका बन जाएगा एंटोनिम। एंटोनिम बताना है, इस पे ध्यान नहीं दिया तो फ्री का नंबर गवाया, फोकट में नंबर नहीं गवाने हैं, ध्यान से डायरेक्शंस को पढ़ना है। ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर। ठीक, क्लियर है सबको? चलो आगे, बिल्कुल दिमाग खोल के। एसएससी का पेपर कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। कभी भी हमने एम्बिटर्ड कर दिया है क्या? यस, एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक ही एक पॉजिटिव वर्ड है और वही यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा। कभी भी एसएससी सीजीएल का या फिर किसी भी एमटीएस वगैरह का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। ऑल यू हैव टू डू इज कीप योर सेल्फ सेन, कीप योर माइंड ओपन एंड सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली, दैट इज इट। डायरेक्शन सही से पढ़ो, ऑप्शन सही से देखो। अगला सवाल देखिए, आंसर बताइए हमको सब लोग, क्या लग रहा है यहाँ पे? चलिए देखें कौन आंसर देता है। हम कैसे कंफ्यूज कर दें? थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच फॉर द बर्थडे विशेस, बट मेरा बर्थडे अभी नहीं है, माई बर्थडे इज ओवर मोरो, बताया था ना सुबह। टू अदर्स होना चाहिए, सुपीरियर के बाद क्या लगता है? सिंपल सा रूल है, बच्चों को भी अब तक पता हो जाना चाहिए कि ऐसे सारे एडजेक्टिव जो एंड होते हैं आई ओ आर से, वो सारे एडजेक्टिव जो आई ओ आर से एंड होते हैं, इनके बाद प्रपोजिशन हमेशा टू लगता है। सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायोर, इंफीरियर, सबके बाद टू, दान कभी नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर। ठीक, इजी लगा? बस थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है, दिमाग का प्रेशर निकाल दो, आधे क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे। डायमंड डजन का जरा मतलब बताइए क्या होता है? अ डायमंड डजन, एवरीवन, देखे कौन आंसर देता है। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है, डायमंड डजन, वेरी कॉमन, बिल्कुल सही, फिनोमिनल नहीं, ना ना ना, एक्सपेंसिव नहीं, डायमंड डजन का मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो कोई चीज तो है ना। इन ओल्डर डेज, इन अर्लियर टाइम्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग टॉफीज एंड चॉकलेट्स ऑन बर्थडेज वॉज अ डायमंड डजन। पुराने टाइम में चॉकलेट्स और टॉफीज बर्थडे पर डिस्ट्रीब्यूट करना क्या था? बहुत ज्यादा कॉमन था, दैट वॉज अ डायमंड डजन। तो आंसर हो गया वेरी अनकॉमन, ऑप्शन नंबर टू, वेरी कॉमन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए यहाँ पे क्या फिल कर सकते हो आप सब लोग। देखिए जरा यहाँ पर आंसर कौन देता है, जल्दी जल्दी से हमको बताइए सब लोग। एकदम स्पीड में, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट दोगे, एक बार नंबर खराब आएंगे, दो बार आएंगे, तीन बार आएंगे, चलो 10 बार नंबर खराब आएंगे, 11वें बार में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये मैं बहुत ही आपको सबसे वर्स्ट केस बता रही हूँ कि 10 बार नंबर खराब आएंगे, 11वें बार में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और वो जो इम्प्रूवमेंट होगा ना, वो आपके लिए इतना बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा, और वो इम्प्रूवमेंट आपको मोटिवेट करेगा और पढ़ाई करने के लिए, कि अगर इतना इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है तो और भी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है ना। ट्रैवल जितने लोगों ने दिया है, हैट्स ऑफ, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर थ्री इज द आंसर। द विलेज वॉज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 माइल्स फ्रॉम पंजाब, आई ट्रैवल, पूरा का पूरा पास टेंस चल रहा है ना, तो ट्रैवल्ड हो जाएगा, पास टेंस चल रहा है, ट्रैवल्ड होगा, पूरा स्टेटमेंट पास टेंस में होगा, है ना। ठीक, चलो भाई अगला बताओ, क्या यहाँ पर होना चाहिए? कितना सिंपल सा सवाल है, सबको पता होगा, बताइए जरा। और भाई कितने लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है? हमें नजरें दिख रहे हैं सब लोग, बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। भाई सेशन क्यों नहीं लाइक करते हो, इतनी क्यों कंजूसी करनी?
क्यों भैया, काहे की कंजूसी, सेशन को भी लाइक करते हुए चलिए। रेडियो पे बोलने वाला रेडियो जॉकी होता है, आरजे होता है, सबको पता है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब आरजे तो सबको पता है, हमको बताइए रेटोरिक, पेट्रोलॉजी और सीफोलॉजिस्ट कौन होते हैं। ये आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछा जाता है। चलिए कौन बताएगा? आंसर बताइए। रेटोरिक किसको बोलते हैं? रिटोरिक एक वो स्किल होती है, वो एक आर्ट होती है जिसमें अ पर्सन कैन स्पीक वेरी इफेक्टिवली और राइट वेरी इफेक्टिवली। ठीक, फिर वर्ड है यहाँ पर पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होती है? किसी चीज के पत्थरों के ओरिजिन, पत्थरों का स्ट्रक्चर एंड ऑल से रिलेटेड जो साइंस होती है उसको पेट्रोलॉजी बोला जाता है। ठीक, फिर होती है सीफोलॉजिस्ट। सीफोलॉजिस्ट होता है जो इलेक्शंस के ट्रेंड्स वगैरह पढ़ता है। आजकल सीफोलॉजिस्ट है, सीफोलॉजिस्ट काम पे लगे हुए हैं क्योंकि इलेक्शन है 5 स्टेट्स में, है ना। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, नेमेसिस। डायरेक्शन खुद से देखो, हमें आंसर बताओ जल्दी से। नेमेसिस आंसर बताइए। नवाब आसिफ बिल्कुल ठीक है। एवेंजर, मार्बल स्टेचू, अच्छा ठीक है। बाकी लोग नहीं पता, सोच लीजिए। टाइप ऑफ पैरासाइट, अच्छा गजब। तुक्केबाजी भी बड़ी कमाल की चीज होती है। नेमेसिस का मतलब क्या होता है? नेमेसिस समझ लीजिए एक तरीके से एक राइवल, एनिमी। राइवल, एनिमी समझ लो। नेमेसिस सबमरीन, सबको पता है पनडुब्बी सबमरीन होती है। पैरासाइट वो जीव होता है जो दूसरे जीव पे चलता है, गुजारा करता है। एवेंजर कौन होता है? एक एवेंजर एक पर्सन होता है, समझ लीजिए, जो किसी चीज के बदले, आपने किसी को हार्म पहुंचाया है तो वो उसके बदले पनिशमेंट देता है हार्म पहुंचाकर, एवेंजर होता है। फिर मार्बल स्टेचू सबको पता है, मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति। अब मुझे बताइए राइवल का सबसे ज्यादा मैचिंग कौन हुआ? एवेंजर ही तो हुआ। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नीमसेस क्या हो जाएगा? एवेंजर। ठीक, राइट राइट, एवेंजर। चलिए अगला सवाल हमारे पास। अगले सवाल पे चलने से पहले बड़ी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी है। तो चलिए, हमें बड़ी खुशी मिलती है यार, अब क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो नाउ आई कैन सी एंड आई कैन प्राउडली से कि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो सुनते हैं। कम से कम आप में से 200-300 लोग यहाँ पर रहते हो, उनमें से कम 5 से 6-10 स्टूडेंट्स भी सुन लेते हो ना, तो दैट्स मोर देन इनफ। क्योंकि अगर हमने 10 सिलेक्शन भी दे दिए हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मेरा मैटर करता है नंबर ऑफ सिलेक्शंस, कि आप में से कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हो, मेरे लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है। इससे जितनी भी मेहनत है, तबीयत खराब है, मैं फिर भी क्लासेस दे रही हूँ। क्यों, क्या रीजन है? बिकॉज आई वॉन्ट दिस सिलेक्शंस। एक एजुकेटर की जो इमेज होती है वो नंबर ऑफ सिलेक्शन से बनती है, दैट इज इट। तो मेरा क्या एम है, मेरा क्या टारगेट है सिलेक्शन का, वो मैं आप लोग को बताती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग को मैं परसुएड करती हूँ कि आप अपना सिलेक्शन ले पाओ। उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज मैं आपको बताती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डेली बेस पे मॉक टेस्ट दो। जो मॉक टेस्ट है वो दो आपके पास, अगर नहीं है मॉक टेस्ट तो टेस्ट बुक पास ले लो। और टेस्ट बुक पास आपके पीछे, मेरे पीछे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। टेस्ट बुक पास बहुत ही आपको मिनिमल रेट्स में मिल जाता है, ठीक है ना। 450+ क्या 470+ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए बस। हाँ जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है कोई मॉक टेस्ट तो, या फिर जो है, इट्स नॉट कंपलसरी कि भैया टेस्ट बुक मॉक टेस्ट से ही दो, नहीं, आपके पास जो है उससे दो। लेकिन अगर नहीं है तो टेस्ट बुक पास तुरंत ले लो। यहाँ पे देखिए, मैंने testbook.com खोला है, इस टाइम बहुत गजब की सेल चल रही है। राइट हैंड साइड गेट पास लिखा है, क्लिक करो, ये खुल गया है। और गजब की सेल क्या चल रही है, 1 साल का टेस्ट बुक पास का जो रेट था उसमें आपको 1.5 साल का मिल रहा है। ये गोल्डन टिकट सिर्फ चल रहा है, मुझे लग रहा है 2-3 दिन का है ना। 470+ एग्जाम्स, 33,000 मॉक टेस्ट, 9,000 प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ अंडर वन
जस्ट बुक पास, है ना, 399 इसका रेट है, या रेट्स आपको दिख रहे हैं मंथली, जो भी आप लेना चाहो, लेकिन राइट हैंड साइड कूपन जरूर लगा लीजिएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको मेरी तरफ से, ANS पास, ANS पास, ये है मेरा कूपन कोड, हमारी तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, और ये रहा 399 का, 340 का, 340 का 1.5 साल का, सोच लो इतनी चीजें हैं, इतने एग्जाम्स कवर्ड, इतने मॉक टेस्ट, इतने प्रीवियस ईयर पेपर, लेना है क्लिक करिए, बाय करिए, फोन नंबर आपको डालना होगा एंड यू आर गुड टू गो, प्रोसीड कर दीजिए, आपका हो जाएगा इजीली पेमेंट। ठीक, ये तरीका है, इस तरीके से आप मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो, अगर नहीं है तो है तो वेल एंड गुड, आप इसी तरीके से अपना, आपके पास जो भी है आप वहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पे, आप मुझे आंसर बताओ इस वाले क्वेश्चन का, जितने भी लोग यहाँ पर हो, सभी लोग जल्दी जल्दी से देखें जरा कौन आंसर बताता है इस क्वेश्चन का। YouTube पे तो हम करवाते रहेंगे अखिलेश, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, YouTube पे हम बने हैं आपके लिए, है ना, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं ले पाते हैं, वैसे ये इतना ज्यादा रेट नहीं है क्योंकि हम लोग आजकल के स्टूडेंट्स हैं तो पिज्जा बर्गर में ही खर्च कर देते हैं एक बार में, है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 300-400 रुपए भी नहीं अफोर्ड कर पाते हो, आई अंडरस्टैंड, उनके लिए फ्री मॉक टेस्ट भी थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है ना, फ्री मॉक टेस्ट भी होते हैं, प्लस हम आपके लिए यहाँ पे फ्री का कॉन्टेंट दे रहे हैं, आपको टेंशन नहीं, क्या बात है, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम से आपको फ्री में पीडीएफ मिलेंगे मेरे सारे, उनसे प्रिपरेशन करो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं, बिना पास के प्रिपरेशन ही नहीं, मेरा कहना है कि भैया मॉक टेस्ट दो, नहीं टेस्ट बुक पास ले पा रहे हो, मेरे साथ मॉक टेस्ट दो, डिफरेंट टीचर्स आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देते हैं, उनका मॉक टेस्ट दो, ठीक है ना। ठीक, चलिए, लेकिन स्वाधीन बहुत सही बात आपने बोली है कि 0.1% का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने बोली है, लेकिन फिर भी हम क्या चाहते हैं, मेरा जो मेन मोटिव है वो बस आप लोग का सिलेक्शन है, तो हम तो जान लगाएंगे ना सिलेक्शंस को लेकर, टेस्ट का स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के डिस्कशन ग्रुप पे, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, सबको डिस्कशन ग्रुप पे, जितने भी लोग यहाँ पर दे रहे हो यार, मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि चलो मुझे अभी नाम याद है अपने 5-7 स्टूडेंट्स के जो मुझे डेली बेसिस पे भेज रहे हैं, है ना, 3-4-5 मुझे नाम याद है जो मुझे डेली बेसिस पे भेजते हो, इतने स्टूडेंट्स का तो मैं श्योर हूँ कि हाँ इतने स्टूडेंट्स मेरे सिलेक्ट मुझे करवाने हैं, तो बाकी अब जितने लोग भेजेंगे तो मैं उनको पहचानूंगी ना कि यस दीज आर माई रेगुलर स्टूडेंट्स, ये लोग मुझे डेली बेसिस पे देते हैं, तो इनका सिलेक्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फीलिंग मुझे आती है। ठीक, चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, काफी सारे लोगों ने बोला है यहाँ पे इटसेल्फ होगा आंसर, अब चलिए देखते हैं कि आंसर सही है कि नहीं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, राइट, क्योंकि किसके लिए लगा है, रिवर के लिए लगा है, इटसेल्फ सही है, रिवर सिंगुलर है, नॉन लिविंग है। ठीक, अगला सवाल आपके सामने, आंसर बता दीजिए फटाफट से, देखें जरा इसका आंसर कौन देता है, पंकज बहुत अच्छा लगा सुन के हमें, क्या बात है, बस थोड़ा सा ही हम आपके काम आ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक, बस ऐसे ही हम आपके काम आते रहे, यही हमारी इच्छा है। बताइए, आई वॉज शॉक टू नो दैट माई फ्रेंड डिड सरप्राइज वेल इन हिज बोर्ड एग्जामिनेशन, क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ सब लोग आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या बात है, नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर ए, यार हमको एक बात बताओ सब लोग, ये वेल क्या है, वेल क्या है, एक एडवर्ब है, वेल एक एडवर्ब है, याद रखना वेल इज एन एडवर्ब, और वो कौन है जिसकी हिम्मत है कि एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, लेकिन एडवर्ब को कौन मॉडिफाई कर लेता है, एक दूसरा एडवर्ब, सिर्फ एक दूसरा एडवर्ब के पास हिम्मत होती है कि वो एक एडवर्ब को मॉडिफाई करे, तो क्या ये एडवर्ब है, नहीं, इनमें से एडवर्ब क्या है, ये रहा एडवर्ब, तो ये इसको मॉडिफाई कर पाएगा, ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर, सरप्राइजिंगली वेल, क्लियर हुआ, सरप्राइजिंगली वेल, ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर। ठीक,
चलिए अगला सवाल आपके सामने है, हमको आंसर बताइए फटाफट से सबको। भाई क्या हो रहा है कमेंट सेक्शन में, क्या हो रहा है कमेंट सेक्शन में? भैया पढ़ाई करो ना यार, इतना टाइम कैसे है तुम लोगों के पास? इतना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, छूट जाएगा ना तो फिर समझ लीजिए बाद में आप ही का लॉस है यार, क्या फायदा। चलो भाई आंसर बताओ बाकी लोगों को। टू ब्रिंग वंस एग टू अ बैड मार्केट, इसका मतलब क्या होता है? सोच के देखो, बहुत अच्छा इडियम है ये। बाकी लोग हमको आंसर बता दो भैया। अब सोचिए, ब्रिंग वंस एग टू अ बैड मार्केट, आप कभी कभी होता है ना कि हमारी कोई चीज खराब इसलिए होती है, हमारी चीज खराब इसलिए होती है क्योंकि हम गलत लोगों से हेल्प लेते हैं। हमको जैसे कि कोई प्रॉब्लम पूछनी है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है किसमें, प्रॉब्लम हो रही है मुझे प्रोनाउंस में, और हम पहुंच गए संस्कृत वाले सर के पास पूछ रहे कि सर प्रोनाउंस में दिक्कत हो रही है बता दीजिए, एग्जाम में फेल हो गए, क्या हुआ? गलत इंसान के पास गए ना पूछ रहे। अब भैया प्रॉब्लम हो रही थी बालक के रूप में, आ गए हैं अनन्या मैम से पूछना, अनन्या मैम जरा बालक का रूप सिखा दीजिए, हमने ऐसा रूप सिखाया कि एग्जाम में एकदम बंटा रहा, क्या हुआ? यही चीज, ठीक यही हो जाता है। तो टू ब्रिंग वंस एग टू अ बैड मार्केट का मतलब है कि गलत इंसान से मदद मांगना। हमसे बालक का रूप पूछोगे तो हम क्या ही आपको सिखाएंगे, है ना? तो होगा ना एग्जाम में एकदम ललन टाप खेल, तो हो जाओगे फेल। तो क्या हो जाता है आंसर? फेल इन वंस प्लान बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पर्सन फॉर हेल्प। हमसे बालक का रूप पूछ रहे मत, ठीक। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, ये काउच पोटैटो, आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग। आंसर बताइए, लेजी पर्सन, ठीक है, वेरी गुड। सेशन को लाइक करने के लिए गाइस हमको कहना पड़ेगा, देयर आर सो मेनी पीपल आई कैन सी, लेकिन अब तक सेशन पर लाइक ही नहीं हुए, ऐसा क्यों भाई? क्यों नहीं किया है सेशन को लाइक? कर दीजिए जल्दी जल्दी से सभी लोग। आंसर बिल्कुल सही है, लेजी पर्सन को काउच पोटैटो बोलते हैं। लेकिन कभी कभी आपके स्टेटमेंट्स में आता है एक लेजी पर्सन होता है, और ऑप्शन में होता है समवन हु वॉचेस टेलीविजन अ लॉट, तो प्रायोरिटी आप किसको दोगे? टीवी देखने वाले पर्सन को, काउच पोटैटो, उसके बाद लेजी पर्सन, ठीक। चलिए अगला सवाल बताइए सर आंसर क्या होगा। यही सीजीएल का लेवल है काजल, ये सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर्स है। आंसर बताइए सब लोग। Let's see. राकेश, नाइस स्टेटमेंट, बताइए। स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम को टॉरेंट बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग जो स्ट्रीम होती है, टॉरेंट, फेंस का मतलब क्या होता है? जो बैरियर या रेलिंग होती है साइड साइड में। लाइसेंस आपको पता है, टेरिफिक का मतलब होता है, और ऑफ ग्रेट साइज, ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी, ऑफ ग्रेट अमाउंट, वो चीज टेरिफिक होती है, ठीक। आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर वन। अगला देखिए और मुझे बताइए इसमें कोई गलती है क्या, कोई एरर है इस वाले स्टेटमेंट में? सोचिए और बताइए जरा हमें सभी लोग, क्या लग रहा है आंसर? ऐसा कुछ समझाने वाला तो आरती अभी आया नहीं है, क्वेश्चन अब आया है एरर का, आप समझा देंगे हम आपको, ठीक। आंसर बताइए सब लोग, हमें सीधे आप मिस्टेक बताओ, गलती बताओ सीधे सीधे से। ओके
इंडोर सोना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला है यहाँ पे कि इंडोर सोना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडोर्सिंग। द अपोजिशन सीम्स अकेन, ध्यान से देखिएगा, द अपोजिशन सीम्स अकेन टू इंडोर्सिंग एन इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रेडिशन। पहली चीज तो सीम्स अकेन के बाद इंडोर्सिंग बिल्कुल सही है, सीम्स अकेन टू इंडोर्सिंग बिल्कुल ठीक है। अकेन टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक। अब देखिए ये प्रैक्टिस क्या है, इन ह्यूमन प्रैक्टिस, हमको नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, एस वाला प्रैक्टिस क्या होता है, वर्ब होता है, पी आर ए सी टी आई सी ई प्रैक्टिस नाउन होता है, पी आर ए सी टी आई एस ई प्रैक्टिस वर्ब होता है। वी नीड अ नाउन हियर, नाउन चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आंसर बताइए हमें। सभी लोग फटाफट से आंसर, सब लोग जल्दी जल्दी से बिल्कुल स्पीड में आंसर बताइए। देखें जरा, प्रोविडेंस होना चाहिए, स्पीड तो काफी अच्छी थी आंसर देने की। प्रोविडेंस में डी ई एन सी ई होता है ना, डी ई एन सी ई होता है, दैट इज इट, ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर, ठीक। अगला सवाल बताइए, वर्ड आपके सामने है, डायरेक्शन खुद पढ़ना है, हमें आंसर बताना है। चलिए अकिन टू का मतलब होता है किसी चीज के सिमिलर, बंटी, किसी चीज के सिमिलर, अकिन टू, ठीक है ना, सिमिलर टू समथिंग, बताइए। क्वालस का मतलब होता क्या है, क्या होता है, एसोसिएशन है ना, लोगों का मिलजुल कर काम करना, एसोसिएशन करना, क्वालस होना। फियरी का मतलब क्या है, फियरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ही ब्राइट अगर जल रही है तो दैट इज फियरी। एमालगमेट का मतलब मिल जाना, एमालगमेट होना। फ्यूल का मतलब सबको पता है, रिलेट का मतलब सबको पता है, सिमिलर क्या हो गया, एमालगमेट, एमालगमेट का मतलब मिलना, ठीक, हो गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर टू, ठीक है। चलिए डायरेक्शन देखो फटाफट से हमें आंसर बताइए बिल्कुल स्पीड में, सब लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, लेट्स सी। जल्दी जल्दी से रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुल में सिंगल एल होता है, यहां तक मैंने लास्ट टाइम स्पेलिंग चेक करी थी, सिंगल एल था, एफ यू एल, ऑप्शन नंबर फोर इज द आंसर, वेरी इजी। अब मुझे बताइए, वो तो इजी था, इस क्वेश्चन का जरा मैं आंसर बताइए, द वर्ड इज ओडिसी, क्या मतलब होता है ओडिसी का, देखे जरा, ओडिसी मीन्स वॉट गाइज, आंसर बताइए फटाफट से हमको। रोज रात में 10 बजे मॉक टेस्ट होता है आपका, अलॉन्ग जर्नी, ड्वार्फ, ओके, लॉन्ग जर्नी बोला है, ड्वार्फ बोला है, बाकी लोग, चलो भाई जितने लोगों ने लॉन्ग जर्नी बोला है आंसर बिल्कुल सही है, ओडिसी का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा, ठीक। अगला सवाल बताइए, क्या लग रहा है भाई, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो किस सोच में डूबे हो, सेशन को लाइक भी कर दो फटाफट से, ठीक, फिर हमें आंसर बताओ। एम्बेसडर की स्पेलिंग क्या होती है, अम्बेसडर की स्पेलिंग, वेरी गुड वेरी गुड, डबल एस होता है एम्बेसडर में, बिल्कुल सही है, अम्बेसडर,
डबल एस होता है. ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर. क्लियर. चलिए अगला सवाल देखें. देखें जरा कौन इसका आंसर बताता है. वन ऑफ द डैश रूम्स इन द होटल. दिस इज वन ऑफ द डैश रूम्स इन दिस होटल. मोर नाइस नाइस नाइसेस्ट या फिर नाइसर. क्या हो जाएगा? वन ऑफ के बाद कौन सी डिग्री लगती है? वन ऑफ के बाद कौन सी डिग्री लगती है? सुपरलेटिव डिग्री लगती है हमेशा. वन ऑफ के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही लगती है. बिल्कुल सही है. नाइसेस्ट, वन ऑफ द नाइसेस्ट रूम. क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3. मेरी क्लास सुबह होती है 9 बजे, दूसरी होती है दोपहर में 3 बजे और तीसरी होती है रात में 10 बजे. ये 3 टाइमिंग्स है मेरे क्लास की. टेलीग्राम ग्रुप पे सबके नोटिफिकेशंस जाते हैं क्लासेस से पहले, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इफ यू वांट द नोटिफिकेशंस प्रायर टू द सेशन. बताइए क्या आंसर हो जाएगा सब लोग. और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप का, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माय पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप नोटिफिकेशंस के लिए, मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए, फॉर एनीथिंग. बताइए क्या आंसर लग रहा है यहाँ पे. आंसर बताइए सब लोग. ठीक है. माय फ्रेंड इज द हिस्ट्री टीचर. क्या सेंस निकल रहा है? मेरी फ्रेंड एक हिस्ट्री टीचर है. माई फ्रेंड इज अ हिस्ट्री टीचर. किसी स्पेसिफिक हिस्ट्री टीचर की बात नहीं हो रही है. क्या बताया? मेरा फ्रेंड एक हिस्ट्री टीचर है. एक हिस्ट्री टीचर है, अ हिस्ट्री टीचर. ठीक है ना. मेरी फ्रेंड एक हिस्ट्री टीचर है, अ हिस्ट्री टीचर. ऑप्शन नंबर 1. चलिए आगे देखते हैं. देयर हाउस इज अंडर रिपेयर, दे डैश विद अस नाउ डेज. कौन देगा मुझे इसका आंसर? बताइए सब लोग. आंसर देखो जरा इसका कौन देता है. वर लिविंग होना चाहिए. अरे भैया यहां पे इज लिखा है, वर कैसे बता रहे हो? दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा ना. प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. उनका हाउस अभी कंस्ट्रक्शन में है, रिपेयर हो रहा है, तो दे आर लिविंग विद अस, वो हमारे साथ रह रहे हैं. ऑप्शन नंबर 4. ठीक. चलिए सोच समझ के भैया आसान आसान क्वेश्चन गलत करके आते हो. डिसकमोड क्या लग रहा है? डिसकमोड इज द वर्ड. आंसर बताइए. Discommode, inconvenience, expediency, comfort, pragmatism. Discommode का opposite बताना है. किसी को एकदम परेशान कर देना, किसी को inconvenience करना, किसी के लिए inconvenience पैदा करना, किसी को trouble करना, discommode होता है. Inconvenience इसका synonym हो गया. Expediency का मतलब क्या होता है? Convenience, है ना. आप समझ लीजिए कि एक तरीके से कोई चीज अगर आपको मतलब द प्रोसेस ऑफ बीइंग कन्वीनियंट, यू कैन से द स्टेट ऑफ बीइंग, द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग कन्वीनियंट, दिस इज एक्सपीडियंसी. फिर हमारे पास कंफर्ट का मतलब आराम ही आराम, और प्रैग्मेटिज्म का मतलब प्रैक्टिकल होना, है ना. द फैक्ट ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल. सबसे ज्यादा सूटेबल, सबसे उल्टा मीनिंग, ये भी थोड़ा थोड़ा ऑपोजिट लग रहा है, लेकिन दिस इज द बेस्ट चॉइस. कम्फर्ट, ये किसी को परेशान करना और आराम देना. ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर. बेस्ट चॉइस चूज करनी होती है. ऑप्शन नंबर 3 इज द बेस्ट चॉइस. ठीक है. प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल, है ना. लॉजिकल सोचना, लॉजिकल इनफैक्ट प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा ध्यान देना, इसको हम प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं. ठीक है, आप बताइए.
अपू अरोड़ा कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा है? मुझे दिखा नहीं होगा, इसने आंसर नहीं दिया है। बताइए बाकी लोग जल्दी जल्दी से। आर्टिस्ट हु मेड स्कल्पचर्स कौन कहलाता है? जूलॉजिस्ट होता है जो क्या करता है, जूलॉजी पढ़ता है, जूलॉजी का एक्सपर्ट होता है ना, एनिमल्स किंगडम एंड ऑल का एक्सपर्ट जूलॉजिस्ट होता है। एवियरी जहां पर बर्ड्स रखी जाती है, वो इंक्लोजर जहां पर बर्ड्स रखी जाए एवियरी होता है। एबेटवा क्या होता है? एबेटवा होता है जहां पर एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है उनको एज अ फूड कंज्यूम करने के लिए, एबेटवा कहलाता है। ठीक, स्कल्पचर तो पता ही दिया, स्कल्पचर ही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फोर। चलिए अगला सवाल देखिए। लार्ज गैदरिंग क्या कहते हैं? लार्ज गैदरिंग को आंसर बताइए फटाफट से। क्लोज टेस्ट भी होगा, कुछ नहीं छूटेगा, डोंट वरी, सब कुछ होगा यहाँ पे। आंसर पीपल, आंसर। यस ममता, बिल्कुल सही गेस किया आपने। आंसर बताइए। लार्ज गैदरिंग को हम ब्रूड कहते हैं। अच्छा, लार्ज गैदरिंग को बेवाए बोला जाता है। बहुत सारे लोग हैं बेवाए, बहुत सारी गर्ल्स है, स्पेशली गर्ल्स है ना, गैदरिंग होती है स्पेशली गर्ल्स की हो या फिर किसी की भी, बेसिकली लोगों की भी बेवाए ही बोला जाता है। फिर अब पहला वर्ड क्या है? बुके, आपको पता है। ब्रूड होता है यंग एनिमल्स का, यंग एनिमल्स का ग्रुप ब्रूड कहा जाता है। कॉकस क्या होता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है ना एक ग्रुप है, उसको बोला जाता है कॉकस। तो कोई सेंस यहाँ पे नहीं बना, आंसर हो जाएगा बेवाई। ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड बेवाई, ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज ऑल्सो कॉल्ड बेवाई। ठीक, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है शायद। हाँ जी बताइए किस तरीके से इंप्रूव कर पाओगे इसको। कम ऑन पीपल, जल्दी से बताइए आंसर। आर कमेंसिंग होना चाहिए, बाकी लोग बताइए। सोच लीजिए एक बार, आर कमेंसिंग ही लग रहा है सबको। ठीक है, माई नेबर्स आर बींग कमेंसिंग, हमको क्या चाहिए? सिर्फ हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चाहिए। आर बींग कमेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आर कमेंसिंग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थ्री, आर कमेंसिंग। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। नार्सिज्म, नार्सिज्म किसको कहते हैं? क्या कहते हैं नार्सिज्म, जरा बताएंगे हमको, कौन बताएगा? वॉट इज नार्सिज्म, वो कौन है जिसने पू को पलट कर नहीं देखा? क्या थी? शी वॉज नार्सिसिस्ट, शी वॉज नार्सिसिस्ट। ना भैया नार्कोटिक्स पहुंच गए हैं यहाँ पे, ड्रग ना भैया, ड्रग पे मत पहुंचो। सेल्फ लव होता है नार्सिज्म, क्या होता है? सेल्फ लव, खुद को पसंद करना, खुद का फेवरेट होना नार्सिज्म कहलाता है। खुद को पसंद होना है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, नार्सिज्म। ठीक, चलिए अगला सवाल है। सेलिएंट बताइए जरा, सेलिएंट इज द टर्म, आंसर बताइए। प्रोमिनेंट होना चाहिए, सेलियंट का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, किसी चीज का सेलियंट फीचर कहलाता है। सो
सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, सीजनल का मतलब होता है सबको पता है जो पर्टिकुलर सीजन में आए, और स्किलफुल का मतलब जिसके पास स्किल्स है बहुत सारी। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोमिनेंट। दोनों का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक, चलिए आप पहुंचे हैं हम लोग क्लोज टेस्ट में। कोई इंसान अभी बोल रहा था, कोई एक स्टूडेंट की मैम क्लोज टेस्ट करवाइए, परेशान थे क्लोज टेस्ट के लिए, आ चुका है क्लोज टेस्ट। तो आपको एक सबसे पहले तो यार लाइक्स 300 पहुंचाइए सेशन को। यार हम बोलते नहीं है तो आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, 300 पहुंचाइए जल्दी से, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं सेशन को लाइक ही नहीं कर रहे हो यार। क्यों भाई, कर दीजिए, दिस इज जस्ट टू मार्क योर प्रेजेंस। फिर देखो 5 out of 5 का टारगेट हमें लेके चलना है सेशन के ऊपर। ठीक, 5 में से 5, पहला ब्लैंक आ चुका है आपके पास, सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं, 30 सेकंड का टाइम लीजिए, आराम से आंसर बताइए सब लोग। साइलेंट किलर का मेरा गला आपको लग रहा है 2 घंटे आवाज लेने वाला? भाई अभी ठीक हुए हैं, थोड़ा सा प्रॉपरली ठीक हो जाने दीजिए, फिर लेंगे हम 2 घंटे की क्लास बिल्कुल। देखें कौन आंसर देता है इसका। वोकैब कैसे इम्प्रूव करें? अब उसके लिए सुबह वाली क्लास में आइएगा। सुबह वाली क्लास में पता है मैं आपको डेली कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ, वो क्या तरीके जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, प्लस कभी कभी आपके ट्रिक बेस्ड सेशंस भी होते हैं। तो वो क्या आपके लिए डेली सुबह 9 बजे। ठीक, चलिए चलिए, कौन आंसर देगा यहाँ पे मुझे पहले सवाल का? सॉर्ट ऑफ जितने लोगों ने बोला है बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया है जरा तुरंत +1 कर लीजिए, बाकी वाले लोग 0। ठीक, अगला सवाल देखिए, ब्लॉक नंबर 2 पे आइए, आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मैनिफेस्टो डिफरेंसेस कलेक्टिवली, ब्लॉक नंबर 2 इज हियर, फटाफट से बता दो हमको आंसर क्या हो जाएगा इसका। सभी लोग बताइए जरा जल्दी से। मैम स्किलफुल या स्किलफुल, स्किलफुल में सिंगल एल, स्किलफुल की स्पेलिंग में सिंगल एल ही आता है ना, उसमें कंफ्यूज मत होइए, सिंगल एल आता है स्किलफुल में। मैनिफेस्टो होना चाहिए। ठीक है, मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टो दे रहे हैं बहुत सारे लोग आंसर। मैनिफेस्टो का मतलब होता है किसी चीज का, किसी पॉलिसी वगैरह का पब्लिक डिक्लेरेशन, किसी एम का, किसी पॉलिसी का पब्लिकली पब्लिक डिक्लेरेशन मैनिफेस्टो कहलाता है। डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? डिसअग्रीमेंट है ना, लोगों में डिसएग्रीमेंट हुए तो वो डिफरेंसेस कहलाते हैं। कलेक्टिवली का मतलब इकट्ठा, कोई चीज इकट्ठा है तो वो कलेक्टिवली है। आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? आंसर होना चाहिए, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ नहीं रहे हो हमें लग रहा है, मेंबर्स ऑफ अ नेशन शेयर द डिजायर टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होना चाहिए यहाँ पे। डिफरेंसेस कलेक्टिविटी, पॉलिटिकल कलेक्टिविटी होना चाहिए भैया। मैनिफेस्टो का मतलब किसी चीज को पब्लिकली डिक्लेयर करना, एंड दिस इज नॉट द राइट टर्म, पॉलिटिकल कलेक्टिविटी। क्या होता है कलेक्टिविटी का मतलब? बेसिकली एक समझ लीजिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू कैन से द एक्सपीरियंस और फीलिंग ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होता है कलेक्टिविटी का मतलब, एक्सपीरियंसेस एक्टिविटीज। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बेटर चॉइस है दैट इज कलेक्टिविटी एंड नॉट मैनिफेस्टो और डिफरेंसेस। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, कलेक्टिविटी। कलेक्टिविटी, भेड़ चाल चलेंगे तो नुकसान आपका है। ठीक, चलिए अगला सवाल, ब्लैंक नंबर 3। अब अपना दिमाग लगाओ,
आंसर बताइए जल्दी जल्दी से सब लोग। देखो जरा कौन यहां पर आंसर देता है। चलिए ऑल राइट, एस्पिरेशन, काफी सारे लोगों ने एस्पिरेशन बोला है, बिल्कुल ठीक है। एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एम्बिशन, जो चीज आप अचीव करना चाहते हो उसको एस्पिरेशन बोला जाता है। इंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, सहनशीलता। एस्पिरेशन, एग्जास्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इरिटेशन, अनोयंस, चिड़चिड़ापन। और परप्लेक्सिटी का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज होना, है ना, परप्लेक्स होना, परेशान होना, कंफ्यूज होना। तो आंसर हो गया यहाँ पे एस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर टू। ठीक, क्लियर है। अब देखिए लाख नंबर फोर बताइए, सोच समझ के अपना दिमाग लगाओगे तो ट्रस्ट भी सही ही होगा, गलत नहीं होगा। देखें कौन इसका आंसर देता है। रिफोर्स होना चाहिए, सोच लीजिए एक बार। ये वाला तो सिंपल है ना, शाबाश, क्या हो जाएगा? रिफोर्स हो जाएगा। ब्लैंक नंबर फाइव, आखिरी ब्लैंक है यार। 5 out of 5 नहीं तो कम से कम 4 out of 5 तो लेकर ही आना है। सोच के आंसर दीजिए ब्लैंक नंबर फाइव में क्या होगा, फटाफट से। आंसर बताइए जरा जल्दी से। ब्लैंक नंबर फाइव, टेरिटरी, लोकेशन, टेरिटरी। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा यहाँ पे। कुछ लोगों का कहना है लोकेशन और कुछ लोगों का कहना है टेरिटरी। लैंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी अर्थ के सरफेस का जो नेचुरल फीचर है वो क्या है, उसको लैंड फॉर्म बोला जाता है। टेरिटरी क्या होता है? किसी स्टेट या फिर किसी रूलर के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो एरिया आता है उसको टेरिटरी बोला जाता है। और यहाँ पे सही जवाब क्या है? टेरिटरी ही है, ऑप्शन नंबर फोर। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर फोर दिया है, योर आंसर इज राइट। मुझे पहले स्कोर बताइए, आउट ऑफ फाइव आप लोगों का स्कोर क्या रहा है इन दिस क्लोज टेस्ट, बताइए जरा जल्दी से। टेरिटरी इज द राइट स्टेट, राइट वर्ड है। क्या लग रहा है आपका आंसर क्या है, जरा जल्दी से बताएंगे सब लोग मुझे फटाफट से। लोकेशन, ओके, मतलब 3 out of 5, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 3 out of 5 और 4 out of 5, थोड़ी सी आपको क्या कर रही है ना, 3 और 4 वालों के क्या साथ हुआ है, आप लोगों ने थोड़ा सा या तो भेड़ चाल करी है या तो थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट किया है अपने दिमाग। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना है और सिर्फ अपने दिमाग से क्वेश्चंस करने हैं तो डेफिनेटली 5 out of 5 आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पारा, देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है जल्दी जल्दी से। आंसर बताइए, देखें धोखा हुआ है। अच्छा, हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन वन लिंक एंड ज्वाइन द सेम। कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो सेशन के एंड में, ठीक है ना। बताइए क्या लग रहा है क्या आंसर होना चाहिए सब लोग। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए, राम इंट्रोड्यूस्ड श्याम, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट हो सकता है, यहाँ पे भी नाम लिखा है ये भी पहला हो सकता है, ऑप्शन में ये दोनों दिए हैं। चलिए देखते हैं कि डीसी बन रहा है पेयर यहाँ पर,
ए सी बन रहा है, ए बी बन रहा है, ऐसा पहले दोनों को इंडिविजुअली पढ़िए। राम इंट्रोड्यूस श्याम टू एवरी वन एंड देन सर्व स्नैक्स टू देम। पहला हो सकता है, चलिए। राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड श्याम ऑन हिज बर्थडे। पहले तो इनवाइट करेगा तभी तो इंट्रोड्यूस करेगा, पहले इनवाइट करेगा। तो डी पहला स्टेटमेंट, यहां से पहली दुविधा तो हमारी, पहला कंफ्यूजन हमारा चला गया। अब देखना है डीसी बन रहा है या डीबी बन रहा है। डीसी पहले देखते हैं, टू देम व्हेन श्याम रीच्ड हिज हाउस। इनवाइट करने के बाद श्याम घर पहुंचेगा ना, इनवाइट करने के बाद श्याम घर पहुंचेगा और केक तो उसके बाद में कट होगा, ठीक। तो डी के बाद पहले क्या आएगा, सी आएगा, ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर। राम को इनवाइट किया, राम घर पहुंचा, केक बाद में कटेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताइए जल्दी जल्दी से सभी लोग, क्या हो जाएगा देखे जरा। ओके ओके, बस आपका समझ लीजिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पीपल। कल मेरा बर्थडे नहीं है, इट्स मेरा बर्थडे परसों है गाइस, परसों ऑन 22nd, इट्स नॉट टुमारो। एंड गाइस परसों एक चीज आपको बता दूं, परसों मेरी सिर्फ सुबह वाली क्लास होगी 9 AM वाली, तो आइएगा जरूर परसों, ठीक है ना। ऑन 22nd मेरी सिर्फ सुबह वाली क्लास होगी, सो काइंडली बी प्रेजेंट देयर, है ना। अब बताइए डीएबीसी होना चाहिए, अच्छा ओके। इतना अगर आप लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने डीएबीसी बोला है, तो चलिए हम मान ही लेते हैं डीएबीसी, डीएबीसी भी आंसर है इसका, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट डी था, वंस अ लायन, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि पहला स्टेटमेंट डी होना चाहिए, वंस अ लायन, लग रहा है ना कोई कहानी शुरू हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, ठीक बिल्कुल सही है। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, सब लोग फटाफट से बताइए, आज का लास्ट सवाल है ये, और इसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन। सिर्फ उस दिन नहीं होगी 22nd को, बाकी हर दिन होगी आपकी सारी क्लासेस। हर दिन होगी, सिर्फ एक दिन की बात करी मैंने गाइस, सिर्फ एक दिन की, बाकी हर दिन आपकी सारी रेगुलर क्लासेस होंगी, सुबह 9 बजे, दोपहर में 3 बजे, रात में 10 बजे, हर दिन, ठीक है। चलिए चलिए आंसर बताइए हमको सभी लोग, क्या लग रहा है इसका आंसर। सीबीएडी, बिल्कुल सही है, सीबीएडी जितने लोगों ने बोला है, शाबाश, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। शुरुआत देखिए, द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल, कौन सा फेस्टिवल अभी पता नहीं है, ठीक। बी देखो, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल ऑफ दिस स्टेट, कौन सा स्टेट हमको पता नहीं है, स्टेट का नाम दिया है सी में, सी हो गया पहला स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियरली 3 इज द आंसर, किसी को कोई शक, परेशानी, डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है। और ये है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन, पहले सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे 2-3 चीजें आप लोग को बतानी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर मत दीजिएगा इस वाले का, इस वाले क्वेश्चन का सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और फटाफट से जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, फिर मुझे कुछ चीजें आप लोगों से बतानी है, शेयर करनी है, ठीक। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, या असाइनमेंट क्वेश्चन है, असाइनमेंट क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना होता है, सेशन खत्म होने के बाद नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में। तो जो 2-3 चीजें मुझे आप लोगों से कहनी है, वो पहली चीज तो ये कहनी है कि गाइस ट्राई टू बी प्रेजेंट इन माई 9 AM सेशन ऑन 22nd, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू सेलिब्रेट द बर्थडे विद यू ऑल, कोशिश करेंगे हम, ठीक है ना। तो सुबह 9 AM वाली क्लास में जरूर से रहिएगा, बाकी
आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैम आप जरूर से जूम मीटिंग कर लीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर पाऊँ on 22nd। तो आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। ये लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लिंक मैं वहीं पर शेयर करूंगी अगर पॉसिबल हो पाया तो। ठीक, तो लिंक आपके पास कमेंट सेक्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से। ठीक, कब? राइट राइट राइट, थैंक यू सो मच दीपक। दीपक ने सबसे ज्यादा बार मुझे विश किया है बर्थडे। आई एम टेकिंग अ नोट ऑफ दिस, थैंक यू सो मच दीपक। चलिए, अच्छा गाइस, ये है सीजीएल का बैच। अगर आप में से किसी को लेना है, सच में इंटरेस्टेड हो सीजीएल क्लियर करने के लिए, इस साल को सेव करने के लिए, साल को अपना सिलेक्शन का ईयर बनाने के लिए, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस बैच। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि बहुत ही एक्सपर्ट एजुकेटर्स हैं इनके, मतलब वो काफी ज्यादा इन लोग को एक्सपीरियंस है, तो आप इनके बैच कर सकते हो डेफिनेटली। 3999 फीस है, बट मेरा कोड EN20 अगर आप यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा 37% तक का डिस्काउंट। तो किस बात की देरी है? इन्वेस्टमेंट खुद पे करोगे नहीं तो कैसे रिटर्न मिलेगा? थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सबरे करा है, ठीक है ना? तो सोचोगे कि ऐसे ही हो जाए तो नहीं होता यार, थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट। हाँ, समझते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे आपकी वोकैबुलरी की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। बाय गाइस, टेक केयर।